नमस्कार, बिहार लाल असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी कोरंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फाइनल के बच्चों के लिए एक लेसन बनाया है, रेशियो जो विश्लेषण पहली दूसरी यूनिट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी की सेकंड यूनिट में रेशियो एनालिसिस का उदाहरण से समझाया है। उदाहरण से अपन कैसे समझेगा रेशियो, करंट रेशियो कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, ये अपन ने पढ़े हैं। अब आप उदाहरण से समझो। माना कि एक उदाहरण है, करंट रेशियो 2.2:1 है, करंट रेशियो 2.2:1 है, इसका मतलब करंट एसेट्स 2.2 और करंट यदि करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट्स उसके 2.2 गुणा है। नेट वर्किंग कैपिटल 36,000 है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का अंतर 36,000 है। अब इस प्रश्न में करंट एसेट्स कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, ये निकालना है। अब चूँकि नेट वर्किंग कैपिटल का सूत्र होता है CA - CA, CA का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। माना कि करंट एसेट्स 2.2x रुपये है और करंट लाइबिलिटीज 1x रुपये है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो नेट वर्किंग कैपिटल का सूत्र लिखा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज या CA - CL। अब 36,000 माइनस 2.2 माइनस 1x, 2.2 माइनस 1x बराबर 1.2x बराबर 36,000। 1x का मान कितना हुआ, 36,000 बट्टा 1.2, उत्तर आ गया 30,000। अब करंट एसेट्स कितनी हुई, 2.2x, x की जगह वैल्यू रख रही 30,000, तो 2.2 × 30,000 बराबर कितना हुआ, 66,000। यानी करंट एसेट्स का उत्तर कितना आया, 66,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी हुई, 1x, तो x 1 × x का मान 30,000 बराबर 30,000। अब आंसर क्या बना, करंट एसेट्स कितनी, 66,000, करंट लाइबिलिटीज कितनी, 30,000। अब नीचे वर्किंग नोट में लिख लो कि करंट रेशियो मतलब क्या होता है, कि करंट रेशियो का मतलब CA / CL, याद करने की सुविधा के लिए। CA कितनी मानी, 2.2x मानी, करंट लाइबिलिटी को कितना माना, 1x माना रुपए। करंट CA का मतलब क्या, करंट एसेट्स, CL का मतलब करंट लाइबिलिटीज। अब इस सवाल में अपन ने उदाहरण से रेशियो एनालिसिस पढ़ा, उदाहरण द्वारा रेशियो का स्पष्टीकरण। इस उदाहरण में क्या था कि करंट एसेट्स, करंट रेशियो था 2.2:1, 2.2:1, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का अनुपात 2.2:1 था। नेट वर्किंग कैपिटल जो CA और CL का अंतर होता है वर्किंग कैपिटल, वो 36,000 रुपये थी। करंट एसेट्स निकालनी है, करंट लाइबिलिटीज निकालनी है। अब अपन ने पहले नेट वर्किंग कैपिटल का सूत्र लिखा, CA - CL। इस सवाल में नेट वर्किंग कैपिटल का उत्तर 36,000 दिया हुआ है। करंट एसेट्स को 2.2x रुपये मान लें, करंट लाइबिलिटीज को 1x मान लें, तो 2.2x - 1x बराबर 1.2x बराबर 36,000। एक्स बराबर क्या होगा, इधर 1.2 का गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा साइड चेंज करने से। 36,000 में 1.2 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 30,000। एक्स का मान कितना आया, 30,000। अब करंट एसेट्स 2.2x, तो 1.2 × 30,000 बराबर 66,000। करंट लाइबिलिटीज 1x × 30,000 30,000। अब आप चाहो तो इस सूत्र में पुट करके भी देख सकते हैं कि करंट रेशियो का सूत्र क्या होता है, CA / CL। अब वापिस वो ही सवाल उत्तर निकालना हो तो 66,000 / 30,000, तो उत्तर क्या आएगा, 2.2:1 ही आएगा। 66,000 30 का भाग देंगे 2.2, तो 2.2:1 होगा। इसका मतलब वापिस उत्तर की जांच भी की जा सकती है, भाई करने में कोई गलती हुई है नहीं तो उसकी जांच भी हो जाएगी। अब अपन ने क्या माना था इस सवाल में, करंट एसेट्स 2.2x, करंट लाइबिलिटीज क्या माना, 1x,
करंट सी ई ए किसको कहा, करंट एसेट्स को, सी एल किसको कहा, करंट लाइबिलिटीज को। अब अपन ने क्या पढ़ा, वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, सी ए माइनस सी एल को। करंट रेशियो का सूत्र क्या बना, सी ए बटा सी एल। तो इस उदाहरण से अपन को ये क्लियर हुआ कि करंट रेशियो दिया हुआ हो, वर्किंग कैपिटल दिया हो, तो करंट एसेट्स कैसे निकालें, करंट लाइबिलिटीज कैसे निकालें। अब इसके साथ में यदि करंट एसेट्स में स्टॉक स्टोर दिया हो, तो करंट एसेट्स में स्टॉक स्टोर घटा देंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो अपन ने जो ये सूत्र सवाल पढ़ा, इसके अंदर दो सूत्र मेन बने, वर्किंग कैपिटल का सूत्र सी ए माइनस सी एल का, करंट लाइबिलिटीज का सूत्र क्या, करंट रेशियो का सूत्र क्या बना, सी ए बटा सी एल। तो ये दो सूत्र बने, उसी से सवाल बन गया। आप भी इसको कॉपी में नोट कर लें, नोट करके सवाल को कर लें। ये करंट रेशियो का सवाल है, छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है कि, और कंपटीशन के पढ़ने से भी ठीक है कि करंट रेशियो दिए और वर्किंग कैपिटल लिए, उसे आप फटाफट कितना जल्दी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। धन्यवाद, कॉपी में इसको नोट कर लें। धन्यवाद, ये बी कॉम फाइनल के लिए है। धन्यवाद, थैंक यू।